हाय एवरीवन, कैसे हो सारे? तो गुड न्यूज़ है आपके लिए, फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना फेज़ 3 यानी CSAS का एलोकेशन हो चुका है और आप चेक कर सकते हो। जैसे आप लॉगिन करते हो वहीं पे आकर चेक कर लेना है, ठीक है? तो ये एक अपडेट वीडियो आप देख सकते हो, जिनका जिनका एलोकेट हुआ रहेगा यहीं पर आपको शो कर जाएगा। और जिनका मैंने पोर्टल खोला है इनका भी एलोकेट नहीं हुआ है, फर्स्ट राउंड में इनका सीट एलोकेट नहीं हुआ है। तो देख सकते हो इनका लिखा गया है, डियर कैंडिडेट, यू हैव नॉट बीन एलोकेटेड सीट इन द करेंट राउंड ऑफ एडमिशन, ठीक है? जिनका जिनका एलोकेशन नहीं हुआ है तो आपको वेट करना है सेकेंड राउंड का। अभी आपका नहीं हुआ है तो आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है? देख सकते हो, अगर जिनका फर्स्ट राउंड ऑफ CSAS एलोकेशन एंड एडमिशन जिनका जिनका हुआ रहेगा, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना, ठीक है? क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा आपका जो भी कॉलेज है, कोर्सेज का कॉम्बिनेशन दिख जाएगा अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। बाकी कट ऑफ का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इस साल कितना कट ऑफ गया हुआ है इसके रिगार्डिंग। पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पे जिनका जिनका आया हुआ है। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करोगे ना तो मैं बता देता हूँ कैसे आपका रहने वाला है, ठीक है? साइट थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा क्योंकि अभी हैवी ट्रैफिक है, जाहिर सी बात है बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे फिलअप किए हुए हैं। तो हाँ, टाइम गेटवे मतलब आउट हो जा रहा है, आप समझ सकते हो। काफ़ी मतलब ये साइट काफ़ी स्लो चल रहा है, अभी 4:59 पे ही आपका एलोकेशन हुआ है, तो आप समझ सकते हो। आपका वेट जब खुलता है तो मैं बताता हूँ आपको। तो देख सकते हो काफ़ी टाइम के बाद ये ओपन हुआ फिर, क्योंकि यहाँ पे रश ज़्यादा है इसीलिए। तो जिनका जिनका एलोकेशन हुआ है तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पे आप व्यू करके आप देख सकते हो, ठीक है? ये साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डायरेक्ट अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लोगे, ठीक है? तो अगर आपको कट ऑफ देखना है तो कट ऑफ भी यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि इस साल कट ऑफ भी रिलीज़ किया जा रहा है। लास्ट जो भी इससे पहले जो भी CSAS का एलोकेशन हुआ है तो उसमें कट ऑफ नहीं रिलीज हो रहे थे, पर इस बार से कट ऑफ का भी रिलीज़ किया गया, क्योंकि आपको दिख जाएगा कि कौन से कॉलेजेस में, कौन से कोर्सेज में आपका कितना कट ऑफ गया हुआ है, तो उसी हिसाब से आपको अंदाज़ा लगने वाला है और आपके सामने दिख जाएगा कि हाँ ये कट ऑफ इतना जाने वाला है। तो ऐसा ही आपको चेक कर लेना है, जिनका जिनका हुआ है तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका जो भी सीट एलोकेशन हुआ है जो भी कैंडिडेट का, वहाँ पे देख लीजिएगा, वहाँ पे क्या कीजिएगा, आपको एक्सेप्ट करना है। जो भी टाइम लिमिट दिया रहेगा उस टाइम लिमिट के अंदर आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो जैसे ही आपका मिल जाए तो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा सीट को, और सीट चला जाएगा आपका कॉलेज के पास। आपका जो भी सीट एलोकेशन हुआ है वो वाला रिक्वेस्ट चला जाएगा कॉलेज के पास, और कॉलेज 3 स्टेप में आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट 10th 12th कैटेगरी अगर दिए हो रहे हो गए, आपका डिटेल मैच करेंगे। मैच करने के बाद वो लोग तीन मतलब और जगह से आपका वेरीफाइड होगा। लास्ट में जब प्रिंसिपल जो भी सर या मैम होंगी वो जब वेरीफाइड कर देंगे तो आपका पेमेंट लिंक जनरेट कर दिया जाएगा, ठीक है? तो आपका जैसे ही पेमेंट लिंक जनरेट होगा तो आप अपना फीस पेमेंट वगैरह कर लेना टाइम पे। तो सिंपल सा है और ज़्यादा इसमें कोई तामझाम नहीं है, सिंपल सा आपको एक्सेप्ट कर लेना है। जो भी सीटें आपको एलोकेशन हुआ है वो सीटों को सिंपल सा आपको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी सीट मिला है वो देख लीजिएगा, वहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका चला जाएगा रिक्वेस्ट कॉलेज के पास, ठीक है? जिनका जिनका एलोकेशन हुआ है तो सबसे पहले आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितना आपका आया हुआ है, आपका मतलब किनका किनका सिलेक्शन हुआ है, कौन कितने नंबर पे आपका कौन कॉलेज मिला हुआ है, कौन सा कोर्सेज मिला हुआ है, ताकि जो भी कैंडिडेट हैं देखे तो उनको भी अंदाज़ा लग जाए हाँ इतने पे एडमिशन हो रहा है। बाकी जिनको एलोकेशन नहीं हुआ है, बाकी जिनका एलोकेशन हो गया वो तो उनका तो पता ही होगा कितना पे आपका एलोकेशन हुआ है, ठीक है? तो चलिए यही था आपसे बताना था। हालांकि ये जिनका पोर्टल मैंने ओपन कर के रखा है इनका एलोकेशन नहीं हुआ है, नहीं तो मैं व्यू करके आगे दिखा देता। हालांकि व्यू करने के बाद कोई इनका एलोकेशन नहीं हुआ है तो नहीं दिखेगा, ठीक है? तो यही सब रहने वाला है। बाकी कहीं पे भी डाउट आ रहा है आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो, और ध्यान से अपना जो भी कीजिएगा कंप्लीट कर लीजिएगा और फीस पेमेंट कर लीजिएगा। अगर सीट जो आपने प्रेफरेंस डाला है उसी के अकॉर्डिंग आपका सीट मिला है, अगर मान लीजिए आपको इंटरेस्टेड नहीं है उस कॉलेज या कोर्स का कॉम्बिनेशन, तो आप फीस पेमेंट करने के बाद आप अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड में क्या होता है कि आपको नेक्स्ट राउंड में आपका जो सीट रहेगा अपग्रेड हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका जो भी मेरिट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका सीट अपग्रेड हो जाएगा, तो सीट अपग्रेड होने के बाद वो आपके हायर प्रेफरेंस, मान लीजिए आपने 10 प्रेफरेंस डाला है तो मान लीजिए 8वां नंबर का मिल गया था, अब 8वां से पहले 1 से 7 तक का जो भी प्रेफरेंस है उसको
मतलब वो लोग कंसाइडर करेंगे और नीचे का जो प्रिफ्रेंस रहेगा वो हट जाएगा और ऊपर वाला 1 से 7 तक का जो भी प्रिफ्रेंस रहेगा उसमें एलोकेशन होगा, एलोकेशन हो जाएगा तो आपको क्या होगा, पुराना सीट ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिए जो फीस पेमेंट किए रहोगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि पुराने सीट का मान लीजिए कोई 10,000 रुपये आपने पेमेंट किया और नए सीट एलोकेशन हो गया तो नए सीट में आपको 13,000 का मतलब अमाउंट उसमें उस कॉलेज का था, तो पूरा 13,000 आपको पेमेंट नहीं करना है, बीच का जो 3,000 का जो अमाउंट गैप है उसी को आपको पेमेंट करना है, वो पेमेंट आपका एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। यही आपका मतलब प्रोसीजर रहने वाला है। बाकी मैं फिर एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा रात में, कैसे क्या प्रोसीजर करना है, क्या गलतियाँ नहीं करना वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अभी जितना मोटा मोटी है वो चीज़ों को आप समझ लेना, ठीक है। सॉरी आवाज़ अगर आ रहा हो तो, मैं थोड़ा सा बाहर में हूँ इसलिए, ठीक है। तो चलिए यही था आपको बताना था, बाकी फिर आपसे रूबरू होते हैं वीडियो के माध्यम से, जहाँ पे भी कन्फ्यूजन आ रहा है आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।